वेलकम टू माई चैनल बायोलॉजिकल वर्ल्ड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस माइटोसिस सो लेट स्टार्ट माइटोसिस माइटोसिस क्या है माइटोसिस टाइप है सेल डिवीजन की सेल डिवीजन मीन्स सेल का डिवाइड होना सेल डिवीजन की दो टाइप्स होती हैं माइटोसिस मेोसिस तो आज हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे तो माइटोसिस में क्या होता है माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं टू न्यू सेल्स में यानी कि जो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो सेम रहता है एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक ह्यूमन सेल में फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो जब सेल डिवीजन होती है और न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं तो उन सेल में फोर्टी सिक्स क्रोमो फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स होते हैं यानी कि जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं माइटोसिस के प्रोसेस में फोर फेसिस होते हैं या फोर स्टेप्स होते हैं जो कौन कौन से हैं प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस पीलोफेस तो सबसे पहले हम प्रोफेस को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल सेल है यानी कि ऐसा सेल जिसमें डिवीजन नहीं हो रही है तो अब हम देख लेते हैं कि प्रोफेस के दौरान इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं तो प्रोफेस में सबसे पहले सेल जो है वो कंडेंस होता है यानी कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है क्रोमोज़ोम्स में ठीक है जी वो जो एक क्रोमोज़ोम होता है उस वो कंसिस्ट होता है दो क्रोमेटिड्स पर अब हम अब हम एक फ़िगर देख लेते हैं जिसमें हमें पता चले कि क्रोमेटिड्स क्या होते हैं तो यहाँ पर जब ये दो क्रोमेटिड्स एक साथ जॉइन होते हैं या अटैच होते हैं तो एक क्रोमोज़ोम बनता है और ये अटैच किससे होते हैं या जिस पॉइंट पर होते हैं उसे क्या कहते हैं सेंटोमेयर ठीक है जी तो प्रोफेस में सबसे पहले क्या होता है सेल कंडेंस होता है और फिर क्या होता है जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपेयर हो जाता है ठीक है जी और फिर जो न्यूक्लियस एनवेलप होती हैं या जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है फिर क्या होता है फिर जो वहाँ पर सेंट्रोजोम होता है सेंट्रोजोम क्या होता है ऐसा ऑर्गेनल होता है जो कंसिस्ट होता है दो सेंट्रियोल्स पर तो फिर क्या होता है सेंट्रोजोम डिवाइड हो जाता है दो सेंट्रियोल पर और वो जो दो सेंट्रियोल होते हैं वो अपनी अपनी पोजिशन पर यानी कि सेल के अपोजिट साइड्स पर अपोजिट साइड की तरफ मूव कर रहे होते हैं ठीक है जी तो ये क्या था ये प्रोफेस का स्टेज था प्रोफेस में ये ये चेंजेस आई कि क्या होता है सबसे पहले सेल कंडेंस होता है जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो चेंज होता है क्रोमोज़ोम में वो जो क्रोमोज़ोम होता है वो दो क्रोमेटिड्स में कंसिस्ट होता है न्यूक्लियोलस डिसपेयर हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपेयर हो जाती है और जो सेंट्रोजोम होता है वो डिवाइड हो जाता है दो सेंट्रीओ में और फिर वो जो दो सेंट्रियोज होते हैं वो मूव करते हैं सेल के अपोजिट साइड्स पर तो ये था प्रोफेस अब हम माइटोसिस के दूसरे स्टेज मेटाफेस को देख लेते हैं तो मेटाफेज में क्या होता है मेटाफेस में जो क्रोमोज़ोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में जाकर खड़े हो जाते हैं यानी कि सेल के सेंटर में जाकर सब लाइन में अटैच हो जाते हैं या खड़े हो जाते हैं फिर क्या होता है जो सेंट्रियोल्स होते हैं उसमें जो स्पिंडल फ़ाइबर्स होती हैं वो क्रोमोज़ोम के सेंटोमेयर वाले पॉइंट पर अटैच हो जाती हैं जो सेंट्रियोल्स में से स्पिंडल फ़ाइबर निकलती हैं वो क्या करती हैं वो जाकर क्रोमोज़ोम्स पर अटैच जाती हैं ठीक है जी तो मेटाफेज में बस यही होता है के क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वाटोरियल रीजन पर जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर जो सेंट्रियोस में जो स्पिंडल फ़ाइबर होती हैं वो उन पर जाकर अटैच हो जाती हैं तो ये था हमारा मेटाफेस अब नेक्स्ट है एनाफेस तो एनाफेस में क्या होता है एनाफेस में सेंट्रियोल से स्पिंडल फ़ाइबर निकलती है वो जो क्रोमेटेड्स पर जाकर या क्रोमोजोम्स पर जाकर अटैच जाती है तो एनाफेज में क्या होता है वो जो स्पिंडल्स फाइबर्स होते हैं वो उन क्रोमोज़ोम्स को सेपरेट कर देते हैं और फिर तो क्रोमोज़ोम्स में क्या था दो क्रोमेटेड्स होते हैं तो जब क्रोमोज़ोम सेपरेट हो गया तो उसमें तो अब वो क्रोमेटेड कहा जाएगा तो जो क्रोमेटेड होते हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ मूव होंगे वजह से स्पेंडल फाइबर्स की वजह से तो ये था एनाफेस में एनाफेस में बस ये होता है कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और फिर अपनी अपनी साइट्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेंडल फाइबर्स अब नेक्स्ट है टीलोफेस टीलोफेस में क्या होता है टीलोफेस में क्रोमेटर्स जो होते हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं और फिर क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो जाती है वापस बनने लग जाती है तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप कैरियो काइनाइसिस कैरियो काइनाइसिस क्या होता है कैरियो मींस न्यूक्लियस और काइनाइसिस मींस डिवीजन यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई हमारे पास दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए ये एक न्यूक्लियस और ये दूसरा अब क्या होगा अब होगा साइटोकाइनेसिस साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म काइनाइसिस मीन्स डिवीजन और फिर जब क्रोमीटर्स अपने अपने पोज में अपनी अपनी साइट्स पर चले जाएंगे फिर आते आहिस्त साइटोकाइनेसिस काइनाइसिस होंगे फिर ऐसे जो है वो एक सेल दूसरे से सेपरेट हो जाएगा और फिर दो डॉटर सेल्स दो न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे तो ये था टीलोफेस तो ये जो दो न्यू सेल्स फॉर्म हुए हैं इनमें जो क्रोमोज़ोम्स का नंबर है वो सेम ही है ठीक है जी अगर हमारे पास जो फर्स्ट सेल था वो अगर फोर्टी सिक्स क्रोमोज़ोम्स थे तो उससे जो न्यू सेल फॉर्म हुआ है उसमें भी फोर्टी सिक्स क्रोमोज़ोम्स ही होंगे तो ये था हमारा माइटोसिस थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो अल्लाह हाफिज़